सब जगह मेरे इंसल्ट करा दो, पता है मुझे पैसे तो 10,000 रुपए मुझे अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना है बस, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके आओ, चाहे चोरी करो या डाका डालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए। दिखाई दे रहा है कैसे मेहनत कर रही है? अरे कैसे रो रही हो, काम धाम तुमसे तो होता नहीं है अब, मुझे तो लगता है एक काम करो तुम घर ही रह करो, नौकरी तो मत आया करो। अरे हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ हो? अरे यार क्या कर रहे हो? हाँ जी यहाँ पे मत है तो ये कूड़ा मुझे साफ करना पड़ता है। क्यों आपको साफ करना पड़ता है मतलब? बेटा हमारा खाने का गुजारा कैसे चलेगा ये बताओ। अच्छा पार्क में आप साफ सफाई करते हो? तो ठीक है ठीक है आंटी, मैं उठा लेता हूँ इसे। तो आप इस उम्र में काम कर रहे हो मतलब, आपकी तो उम्र ज्यादा लग रही है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब बच्चों को पालने के लिए, मेरे 2 लड़की है उनको पालने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ये पार्क में सफाई करती हूँ, इसलिए ये गंदगी मत फेंको, मुझे ही उठाना पड़ेगा। ठीक ठीक आंटी, मैं नहीं करूँगा। हाँ ठीक है बच्चे। बताओ आंटी को इतने बुढ़ापे में कैसे काम करती होंगी यार। चलो देखता हूँ कुछ मदद हो सके तो इनकी करता हूँ। अरे मम्मी तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरा पार्क में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई हैं, उठो जल्दी और मुझे पैसे दो ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है मुझे जाके। मेरा हेल्प करना चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ इतने पैसे बता। और क्या नाम से तेरे छोटे बहन है उसको भी तुझे देखना है, तुझे घर में मेरा हाथ बटाना चाहिए, मेरी माँ बाहर काम करती है तो कम से कम घर का काम में मेरा हाथ बटाए, और तू याशी करती घूम रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मम्मी तुम्हारे ना लेक्चर सुनने मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ ठीक है ना, तो मुझे पैसे दो, मेरे फ्रेंड का एक बर्थडे है, वो लोग कितने अमीर अमीर हैं पता है, कितने अमीर हैं वो लोग, और मुझे भी अमीर बनकर रहना पड़ता है उनके सामने, तुम सब जगह मेरी इंसल्ट करा दो पता है, मुझे पैसे दो 10,000 रुपए मुझे अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना है बस, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके आओ, चाहे चोरी करो या डाका डालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए। मैं कहाँ से लाऊँ इतने सारे पैसे? मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं प्यार से बोल रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे पता है अच्छे से तुम कैसे मानोगे ठीक है, रुको तुम अभी रुको। अरे क्या कर रही है? छोड़ इसे ठीक है, ये घर का राशन भी लेके आना, किराया भी लेना है। छोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग किराया देना है मुझे, तुम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग रोड पे आ जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही है तू? अरे हटो मम्मी इतने से पैसे। अबे यार तुम्हें जिंदगी भर गरीबी रहना ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, इतने से पैसे में पता नहीं क्या होगा मेरा। मतलब यार ये लड़की अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, समझाता हूँ इसे। रुको तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तुम क्या कर रही थी उस औरत के साथ में? क्या कर रही थी? मेरी माँ थी वो। तो तुम उसके पैसे क्यों छीन रहे हो? पैसे क्यों छीने? मुझे फ्रेंडों के साथ पार्टी करनी है यार, इसलिए लिए हैं। और तुम होते कौन हम दोनों माँ बेटे के बीच में बोलने वाले? पैसे मतलब ऐसे छीने जाते अपनी माँ से, तुम पैसे छीनती हो पार्टी के लिए? तो तुम होते कौन हो माँ बेटे के बीच में बोलने वाले? और मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, मेरी माँ ने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई है? हाँ हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन तुम मेरे ऊपर हाथ उठाने वाले? मैं कौन होता हूँ? हाँ कौन है तू? बताऊँ मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ आई बताता हूँ मैं। अरे हाँ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ छोड़ो मेरा। तुम ये कहाँ लेके जा रहे हो? वो देख, वो तेरी माँ है ना, कैसे धूप में बैठ के सारा दिन काम करती है जब वो तुम्हारा पेट पाल पा रही है, दिखाई दे रहा है कैसे मेहनत कर रही है? अरे कैसे रो रही हो, काम धाम तुमसे तो होता नहीं है अब, मुझे तो लगता है एक काम करो तुम घर ही रह करो, अब नौकरी पे मत आया करो। तो क्यों रो रहे हो यहाँ मेरे काम पे रोने के लिए? इधर नहीं कर रखा हूँ मैं तुमको, देख रहे हो कैसे वो सारा दिन धूप में काम करती है और किस किस की गालियाँ सुनती है, जब जाके वो तुम्हें 2 टाइम की रोटियाँ दे पा रही है, और तुम इन पैसों को मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए, और तुम एक सेकंड में उड़ा दोगी, पार्टी में उड़ा दोगी उन्हें। माफ करना भैया मुझे पता नहीं था, मेरी मुझे मतलब पता तो था पर फ्रेंडों के उस लालच में आके कि अमीर दिखने के चक्कर में ये सब करती थी मैं। आपके दोस्त कभी आपके काम नहीं आएंगे, पर वो देख लो इतने बुढ़ापे में है ना, कितनी मेहनत से काम करके आपको पाल रही हैं, और आपने ये पैसे मतलब ये पैसे नहीं है ये उनकी जिंदगी है, पता है कितने सपने सोचेंगे, कितने प्लान बनाए होंगे तुम्हारे लिए कि इन पैसों से तुम्हारा घर चलेगा, और तुमने एक रात की पार्टी के लिए सारे पैसे उड़ा दोगे। कभी कमा के देखें तुमने 500 रुपए खुद? थैंक यू भैया मेरे यहाँ के खोलने के लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी खड़ी खोटी सुनती है, इतनी धूप में काम करती है हमारे लिए, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं अपनी माँ की मदद भी करूँगी घर के कामों में भी, और कोई अच्छी सी जॉब भी करूँगी अब। थैंक यू सो मच भैया। मतलब आप पढ़ी लिखी लग रहे हो और जवान भी हो चुके हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए या उन्हें परेशान करना चाहिए? तो आइंदा से आप उनकी हेल्प कीजिए, तो उनका भी काम अच्छा रहेगा और आपको भी मतलब वो अच्छे से पाल पाएंगे।
ठीक है? ठीक है भैया जी। मम्मी मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अपने फ्रेंडों के मोह माया में आके इतना बड़ा कदम उठा बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि आप धूप में इतना मेहनत करके हमारे लिए लोगों की इतनी खरी खोटी सुनती हो, और मैं आपके पैसे लेके ऐसे ही जा रही थी। मैं आज से घर के कामों में और अच्छी सी कोई जॉब भी करूँगी जिसमें मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँ घर पर। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू अच्छे से रहे और अच्छी तरह से काम, घर के हालात देख कर और ठीक सा चले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं तेरी छोटी बहन भी उसी तरीके से चले।